बाहर हो रही है स्नोफॉल सरचू में, शायद ये एएमएस के लक्षण हो सकते हैं। फाइनली ये जगह मिली हमको, तो यहाँ पर लगाएंगे हम अपना टेंट, पिच करते हैं फटाफट, आपको कैंपिंग दिखाते हैं सरचू में, और पहली बार कैंपिंग कर रहा हूँ। इसमें लाइट का सामान है, इसमें स्टोव, ये पानी, ये कुछ नमकीन, और ये चीनी, इसकी जरूरत पड़ने वाली, ये काजू। अभी 7:30 का टाइम हो चुका है और टेंट मैंने सेटअप कर लिया है, लेकिन बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, दिन से चल रहे हैं, आज दिन में कुछ नहीं खाया, सुबह परांठे खाए थे बस और कॉफ़ी पी है। अब शरीर में एनर्जी नहीं है और कैंपिंग में समय लगा काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 1.5 घंटा। सारा सामान इतना शायद बहुत, हाँ अब ठीक है।
सूप बन गया अपना। ये चम्मच डिकैथलॉन से ली थी। जबरदस्त भूख लगी और ऊपर से मिल जाए सूप। पीने के लिए थोड़ा सा पानी गर्म कर लेता हूँ क्योंकि ठंडा इतना हो रहा है, पीना पानी पीना मुश्किल हो रहा है। अभी गर्म कर लेते हैं थोड़ा सा। इससे मेरा थोड़ी देर के लिए काम चल जाएगा। तो भाई सूप पी के मज़ा आ गया है। अब मैं और निशांत भाई दोनों साथ हो गए हैं, हमारी सहमति बन गई है। हम करेंगे तो एक साथ, नहीं तो नहीं करेंगे। हम भाई भाई हो गए। सर्दी इतनी सर्दी है ना भाई, अकेला आदमी कुछ नहीं कर पा रहा था। हम सोच रहे थे अपना अपना अलग अलग करेंगे, अलग अलग करेंगे, पर भाई सही में बाहर निकल के एक्सट्रीम वेदर है भाई। इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, कभी आओ ना सरचू साइड तो खुद ही महसूस करना भाई, ये बताने की चीज। और जब ये हो ना कि हाँ सुबह सुबह गए चले और दोपहर के 3 बजे तक हम पहुंच गए, 3 या 3:30 तक आप सरचू पहुंच गए, तो ही कैंप करना अपना, पहले रेडी सेटअप करके सब तैयार कर लेना। जैसे हम आए थे 6 बजे आए होंगे अपन, हाँ 6 बजे हम आए थे 6 बजे और हमारा टेंट करने में ही अंधेरा हो गया, कोई हमने कोई इंट्रो नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, सीधा ऐसे ही लग गए। तो अब फिलहाल हम बना रहे हैं चावल और सब्जी। भूख लगी है बहुत जोर की, तो चावल खाएंगे फिलहाल तो, क्योंकि आटा तो ला नहीं सके हम, तवा कौन लाए क्या आएगा। अभी बनाते हैं, चलो भैया बनाए। निशांत स्टार्ट करो भाई, स्टार्ट करो। अब हमारे पास हो गए हैं 2 स्टोव और दोनों पे हम रख देंगे जल्दी जल्दी चीज निपटा के खा के और सोएंगे, थकावट बहुत ज्यादा हो रही है। एक पे सब्जी बन जाएगी MTR की, और सब्जी है जो हम आज खुद नहीं बनाएंगे, आज हमारे पास MTR की है, ये वाली जो हमने इसी मजबूरी के लिए ही वो की थी, कहीं हमारी हिम्मत ही ना रहे हम भूखे सो जाए, इसलिए हमने मजबूरी का सामान भाई बहुत सारा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने के तो बतेरा सामान है। तो अभी हम बनाते हैं फिलहाल दोनों चीज एक साथ, चावल भी और सब्जी भी। अभी बनाते हैं चावल। इसके अंदर चावल एकदम साफ है, एकदम सामने में लगा। उधर सब्जी बन रही है, इधर बनेंगे चावल। इनको अच्छे से मिला देते हैं पहले। तो फाइनली ये बन गए हैं चावल और इसमें डाल दिए सब्जी। अब लगी है बहुत जोर की भूख और अभी खाना खाते ही मैं सोऊंगा, बाकी मिल। तकरीबन समय हो चुका है 10 बजे का और बाहर हो रही है स्नोफॉल सरचू में, काफ़ी एक्सट्रीम कोल्ड है आज। हाथ अभी मैं थोड़ी देर बाहर गया था बाइक को पैक करने, ये मेरे हाथों की हालत हो गई और ऐसे सुन्न हो गए थे, तो मैं फटाफट अंदर आया, अभी मैं आपको दिखा दूँ। ये भी मैंने साफ किया, ये देखो ये है बर्फ, बिल्कुल कॉटन खड्डे की तरह सब देखते हैं। तो मैं भी सो रहा हूँ इसको, कल देखते हैं, कल की कल जो होगा वो देखेंगे। अब ये आपको पता चल जाएगा कि स्नोफॉल हो रही है तो टेम्परेचर कितना कम होगा। सिर दर्द हो रहा है मेरा हल्का हल्का, नींद नहीं आ रही, शायद ये AMS के लक्षण हो सकते हैं। गजब का एक्सपीरियंस है, मेरे से बोला नहीं जा रहा, अब ज़्यादा ही थक चुका हूँ मैं, अभी मैं सोना चाहता हूँ बस। गुड नाइट, कल मिलता हूँ आपसे। गुड मॉर्निंग,
रात काफ़ी ठंडी थी और रात के तकरीबन 12 बजे सोया। ये मैं स्लीपिंग बैग लेके आया था लेकिन इससे काम नहीं चला, मैंने 2-3 जुराबे पहन ली। बहुत ज़्यादा ठंड है और स्नोफॉल हो रही थी जैसे कि मैंने आपको दिखाया। अब बाहर के नज़ारे ले रहे थे, नींद तोबे की हो तो गई है पूरी क्योंकि सॉक्स डालने के बाद आ गई नींद बढ़िया। पहले नहीं डाली थी ना तो दबा के ठंड लगती थी। ये सारे जूते भीग गए भयंकर और ठंडी चिल्ड हुआ एकदम रही कसूती चिल्ड थी कति जाओ। क्या नजारे हैं, एक साइड धूप भी कितनी जल्दी निकलेगी, देखो अभी भी पड़ी हुई है ये सुनो। तो आज का सफर अपना, अभी तो हम फिलहाल सरचू हैं और सरचू मिड पॉइंट है ले मनाली का, तो भाई हम बीच में हैं, आज हम ले पहुंच जाएंगे। तो अभी जल्दी जल्दी पैक करते हैं, थोड़ा कुछ बनाते हैं कॉफ़ी काफ़ी, कल कॉफ़ी बनाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से।